आगरा के डौकी से दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो की मौत। थाना डौकी के अंतर्गत आगरा फतेहाबाद मार्ग पर टंकी चौराहे के पास राधिका कोल्ड स्टोरेज के पास करीब विगत रात्रि 9 बजे एक और ऑटो की टक्कर में महिला की मौत, दो गंभीर घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईको व टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत में महिला शारदा देवी पत की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आगरा हॉस्पिटल में ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं पति बीरी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी पर घर में कोहराम मच गया। दूसरी घटना थाना डौकी से 100 मीटर दूर कैनरा बैंक के सामने घटित हुई। रामनिवास पुत्र और रामनिवासी कुंडल किसी काम से डौकी आया था, तभी घर के लिए वापस जा रहा था तो पीपीए से आ रहे कंटेनर महिला को बचाते समय रामनिवास को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। सूचना पर घर में कोहराम मच गया और परिजन घटनास्थल पर दौड़े। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एपीआई न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सतेंद्र। कहाँ के निवासी? गांव मुटावी से। क्या घटना घटी थी जी? जी मेरी माँ और पापा दोनों गए थे अपनी बेटी के पास, यानी हमारी बहन के पास बर्थडे था। कौन सी जगह? ये कुआ खेरे में। तो उधर से वापस आ रहे थे सर, मैं भी गया था साथ में, तो मैं थोड़ा पीछे रह गया, वो आगे निकल आए थे। मैं बाइक से था, वो ऑटो से आ रहे थे। तो सर आते समय ये नगला देवंश पर ईको वाले ने खड़े ऑटो में एकदम से टक्कर मार दी सर, और इतने में मैं पीछे से आया सर। इतने में तो माँ की तो वहीं डेथ हो चुकी थी। पापा को लेकर सर हम हॉस्पिटल गए और सब तक तो सर सब कुछ खत्म। क्या लोग थे उसमें? सर 3-4 लोग थे ऑटो में। हाँ ऑटो में 3-4 लोग थे। ईको में 2 लोग थे सर, एक ड्राइवर था, एक और था कोई। ईको का चालक पकड़ा गया है? ईको का चालक सर भाग चुका था, इतने में वहाँ से फरार हो चुका था। और फिर आपने पुलिस को सूचना दी? सर पुलिस को सूचना दी थी, मौके पर ही पुलिस आई थी और मेरे माँ बाप को दोनों को लेकर अस्पताल लेके गई थी। उसी टाइम उन्होंने मतलब सारी सुविधा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से सर हमें।